हेलो, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करते हैं। व्हेन दे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर चिल्ड्रन, दिस इज़ नोन एज हेरिडिटी। सो दिस इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट। मान लीजिए आपके पापा के बाल काले हैं और उसके वजह से आपके बाल भी काले हैं, तो ये जो ट्रेट है ये आपके पापा से आपको मिला है। दिस ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट इज़ नोन एज हेरिडिटी। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन का मतलब है जब हमारी बॉडी में वेरिएशंस के वजह से चेंजेस आते हैं एंड वी आर एबल टू सर्वाइव बेटर इन द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव कर पाते हैं, सर्वाइव बेटर इन एनवायरनमेंट। तो इस सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आना ज़रूरी होते हैं। इन चेंजेस की प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा। नाउ हेरिडिटी में सबसे पहले आपको इनका नाम जानना ज़रूरी है। इनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये ऑस्ट्रिया में रहते थे। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री है, इट इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रिया है, यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है। और ये एक मॉन्क थे, ये क्रिश्चियन मॉन्क थे, रिलीजियस लाइन में थे, लेकिन इनका साइंस और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। और ये अपने खेत में, छोटे से किचन गार्डन में, मटर के पौधे उगाते थे, पी, जिसका साइंटिफिक नेम आप याद करेंगे, पाइसम सेटाइवम। और इन्होंने मटर उगाते उगाते उस पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए, जिसके बेसिस पर उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। और उन रूल्स के बेसिस पर पूरा का पूरा जेनेटिक्स का एक नया बायोलॉजी का स्ट्रीम बन गया, जिसे जेनेटिक्स कहते हैं। इसीलिए ग्रिगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करें, जो हमारे चैप्टर का टॉपिक था, हेरिडिटी का मतलब है पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक ट्रेट क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं ये बालों का स्टाइल, बालों का कलर, दिस इज़ अ जेनेटिक ट्रेट। यहाँ पे भी देख सकते हैं फादर ने अपने बेटे को जेनेटिक ट्रेट में हेयर स्टाइल दिया हुआ है, हेयर कलर दिया है। इस बच्चे का जो येलो कलर है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट के ऊपर नहीं आया हुआ है, लेकिन इस बच्चे का अपने फादर के ऊपर ट्रेट्स, इसके बाल पापा की तरह हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इस बच्चे के बाल इसकी मामा की तरह हैं और इस बच्चे के बाल इसके पापा की तरह हैं। सो ये जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं, आँखों का कलर, बालों का कलर, हाइट, नाक का शेप, इनको जेनेटिक ट्रेट्स कहा जाता है। और ये जेनेटिक ट्रेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में जाती है, ऑफस्प्रिंग में जाती है, और इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स की तरह इसीलिए दिखते हैं क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को क्रोमोसोम या डीएनए के थ्रू इन ट्रेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ अगर हम स्टडी करें व्हाट इज़ जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स इज़ नोन एज जेनेटिक्स। जीन्स की स्टडी, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दिस इज़ नोन एज जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नाउ हम जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी है और सेल के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, वी कॉल देम क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम बनता है डीएनए से, दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए में छोटे छोटे सेगमेंट्स जो स्पेसिफिक ट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं, वी कॉल देम जीन्स। सो व्हाट आर जीन्स? जीन्स इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसके वजह से कोई हमारी बॉडी का ट्रेट डिटरमिन होता है। जैसे कि देयर इज अ जीन फॉर हाइट, ये प्रोड्यूस करेगा, ये जीन एक डीएनए का सेगमेंट है जो प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज़ अ प्रोटीन जिसके वजह से आपकी हाइट बहुत लंबी या बहुत छोटी हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर एक जीन है फॉर आई कलर। नाउ दिस जीन इज़ अ डीएनए सेगमेंट जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलानिन। इस मेलानिन की टाइप से आपकी आँखों का कलर ब्लू, ग्रीन, ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे जीन्स डिटरमिन करते हैं कि हमारे बॉडी का क्या शेप और क्या कलर होगा और हमारी बॉडी के अलग ट्रेट्स क्या होंगे। सो व्हाट इज़ जेनेटिक? स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।